विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसकी बहू की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। चित्रकूट के रघौली जेल में अनधिकृत तरीके से मिलने के मामले में अब्बास अंसारी की पत्नी पर अब FIR दर्ज हो गया है और अब्बास अंसारी की पत्नी भी गिरफ्तार हो गई हैं। इसके साथ साथ चित्रकूट जेल प्रशासन पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल के सुप्रिटेंडेंट और अधीक्षक के ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है। पूरा मामला यह है कि विधायक अब्बास अंसारी जो चित्रकूट जेल में बंद है, उसकी पत्नी जेल में अनधिकृत तरीके से मिल रही थी, जिसकी सूचना चित्रकूट जिला प्रशासन को मिली तो तड़के सुबह ही चित्रकूट जेल पर छापेमारी की गई, जहां पर अब्बास अंसारी अपने बैरक में नहीं मिला। तब प्रशासन ने जिला जेल को खंगाला। उस दौरान जो जेल अधीक्षक के एक बगल के कमरे में अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी पाई गई। जब तलाशी ली गई तो वहां पर दो मोबाइलें जब्त की गई और कुछ विदेशी करेंसी के साथ साथ सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले के बाद अब यूपी में हलचल मच गई है कि योगी के जेल में अपराधी किस तरीके से रंग ललिया मना रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब देखते हैं कि अब्बास अंसारी पर एक नया FIR और दर्ज हो गया। अब्बास अंसारी की पत्नी पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया। इसके साथ साथ जो जेल के पुलिसकर्मी हैं और जो अधीक्षक हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके ऊपर भी अब बड़ी कार्रवाई हो गई है और पूरे मामले की जाँच DIG जेल प्रयागराज कर रहे हैं। तो क्या आगे खुलासा होता है, लेकिन अंततः यही सूचना है कि बाहुबली की बहू भी गिरफ्तार हो गई और विधायक बेटा अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई, क्योंकि अब्बास अंसारी पर अब एक नया और मुकदमा दर्ज हो गया है, जेल में अनधिकृत तरीके से मुलाकात करने। अब देखते हैं कि आगे पूरी क्या कार्रवाई होती है। सुनिए जो चित्रकूट प्रशासन का बयान आया है इस पूरे मामले पर। सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा SP महोदय द्वारा वहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाली बैरक थी उसकी तलाशी ली, तो तलाशी के समय वहाँ अब्बास अंसारी नहीं मिले, तो पूछताछ करने के बाद हालांकि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था, और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में एक कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ सामान के साथ मौजूद थी, और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेल कर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया। तो उसी क्रम में उसकी तलाशी ली गई, और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ, और उस क्रम में ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी, उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है, और ये मेरे और SP द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह DGP महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है, और कारागार विभाग द्वारा अपनी DIG जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जा रही है। क्या जिनको नामजद किया गया है वो है अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर, और जो पुलिस के कारागार पुलिस के नहीं सॉरी जेल के कारागार सुपरिंटेंडेंट और जेलर डिप्टी जेलर और एक उनका वहाँ का सिपाही है जगमोहन। मुन्ना बजरंगी वाले में भी थे ना? इसकी जानकारी अभी विवेचना में आगे स्पष्ट होगी। कब से चल रहा था? कई बार मिल चुकी है लिखित में उनकी पत्नी, कई बार जांच का विषय है। वहाँ पे CCTV और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी सील कर लिए गए हैं, वो कारागार प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है, उसके बाद ही इसको पता लिखा पड़ी होगी जी। तो इसीलिए देखिए नियमों के विरुद्ध इसीलिए पाया गया क्योंकि लिखा पड़ी नहीं थी, इसी को हमने जांच का विषय बनाया है। उनके रजिस्टर सीज किए गए हैं एवं जितना CCTV का उनका डेटा है वो सारा सील कर दिया गया है, और उसको पूरे को FSL भेजा जाएगा ताकि हमें डिटेल। मैडम क्या नाम पता छिपा के वहाँ मिला जाता था कुछ है? नाम चेंज करके? जी नहीं, नाम चेंज करके नहीं, लेकिन जितनी एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही थी। मैडम यहाँ शहर में कहाँ रहती थी? कितने लोगों के खिलाफ FIR है? कितने लोग टोटल? कितने अभी 5 लोगों के विरुद्ध है एवं अन्य जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनका विवेचना में फिर अभी जेल भेजा जा रहा है। यहाँ शहर में कहाँ रहती थी मैडम? इस पे विवेचना कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन उनका लोकल स्तर पे सहयोग कर रहा था, कहाँ रह रही थी, ये सब बातें विवेचना में स्पष्ट हो सके। मैडम उनका नाम निखत है कि निखत क्या है? निखत निखत सारी गाड़ी वगैरह भी सील हुई नहीं? अभी नहीं। मैडम उस मोबाइल का उपयोग
कैश बरामद हुआ, इंडियन करेंसी और सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी, और कुछ सोने की ज्वेलरी बरामद हुई उनके बैग से और खाने पीने का सामान। तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फोन्स अंदर लेके गए थे जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, तो उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है जो कि जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी उनके विरुद्ध है एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है।